हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मारिको लिमिटेड स्टॉक के बारे में और हम इस स्टॉक पर टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पर आ गए हैं और उस चार्ट पर ही हम बात करेंगे क्या चार्ट में होने वाला है, क्या खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मंथली चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक साइडवेज एक रेंज में फंस करके चल रहा है, ठीक है, और कोई ब्रेकआउट भी देखने को नहीं मिला। लेकिन हालांकि ब्रेकआउट होने की संभावना है क्योंकि स्टॉक पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न, फेवरेट सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न स्टॉक बना रहा है। लेकिन वही है कि अगर स्टॉक रिकवरी दिखाता है, ब्रेकआउट देता है, तो इसमें एक मूवमेंट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस, तो मैं इस पर क्या डिस्कस निकला कि स्टॉक में अभी ब्रेकआउट की तैयारी में है, लेकिन स्टॉक ब्रेकआउट पर नहीं है। हम वीकली चार्ट पर गए तो वीकली चार्ट पर भी आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस है, इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आपको दिख रहा है यहीं पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिर नीचे, मतलब कि स्टॉक इस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा। यहां निकला था लेकिन टिक नहीं पाया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब हम जाएंगे फ्रेंड्स डेली चार्ट पर, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या करने चाहिए। तो अभी हम इस पर आ गए हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, स्टॉक अभी नीचे आ रहा है और स्टॉक ने 30 डे जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक किया था, देन रिकवरी कर दी है, लेकिन संभावना है स्टॉक नीचे आएगा, ठीक। तो अब आप क्या करें, आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, आपके लिए स्ट्रेटेजी ये है फ्रेंड्स कि आप जो है स्टॉक जैसे ही 476 रुपए के आसपास सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक देता है, इसको थोड़ा अगर हम नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा मिस हो गया है, ओह नो, थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, दूसरा ट्रेंड लाइन आ गया। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 472 रुपए के आसपास। अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेता है और रिकवरी दिखाता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए 555 रुपए के टारगेट के लिए, ठीक है। बीच में ना खरीदें क्योंकि आप फंस जाएंगे, फिर कहेंगे कि हम तो फंस गए। और अगर स्टॉक इसका ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट 555 का, तो फिर आपको टारगेट मिलेगा, पहला टारगेट आपका 600 रुपए का होगा कम से कम, और उसके बाद लगभग आपको 650 रुपए तक के लेवल देखने को स्टॉक में मिल सकते हैं। ध्यान रखें स्टॉक एक बॉक्स में फंसा हुआ है, इस बॉक्स से जैसे बाहर आएगा तो एक अच्छा रिटर्न देगा, अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखें, जल्दीबाजी ना करें और बीच में कतई ना खरीदें, या तो ब्रेकआउट पर लें या सपोर्ट पर लें, ठीक है, दो तरीके हैं, उससे पहले खरीदारी ना करें नहीं तो आप फंस जाएंगे। हालांकि अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही स्टॉक में ऊपर जाने की, लेकिन जाएगा तो फिर ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट पर आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।